Our next guest is a prolific filmmaker and screenwriter who just won the New York Film Critics Circle Award for Best Director for his epic action drama film RRR, which is currently... In India, back in India, we make thousands of films every year, but we hardly get recognition outside our country. S.S. Rajamouli, Indian cinema में आज के time पर एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसा director जिसने Indian cinema को international level पर लाके खड़ा कर दिया। आज हम इनकी life story जानेंगे कि कैसे एक बहुत बड़े writer के यहाँ जन्मे Rajamouli को movies बनाने में interest कहाँ से आया, और वो कौन सा actor था जिसने Rajamouli के साथ south industry में debut किया, और तीनों खान में से किसके साथ काम करना Rajamouli जी का सपना है। अगर इतने humble and down to earth रहने के बाद भी क्यों बॉलीवुड के कुछ प्रोड्यूसर से इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती, और वो कौन से एक्ट्रेस है जिसने अमरेंद्र बाहुबली की माँ के रोल को रिजेक्ट कर दिया था, और वो कौन कौन से स्टार्स है जिनका करियर Rajamouli ने बनाया, और क्या सच में इन्होंने अपने करियर में एक भी फ्लॉप नहीं दी। आपके डिमांड पर भाई सारा कच्चा चीटर लेकर आया राजा सर के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जरूर। Rajamouli के बारे में रिसर्च करके मुझे बहुत मजा आया, और ये मजा मैं आप सबको देना चाहता हूँ। भरे पूरे खानदान में पैदा होने वाले कोडूरी श्री सैला श्री Rajamouli और एसएस Rajamouli के पिता वी विजेंद्र प्रसाद बहुत मशहूर राइटर और डायरेक्टर भी हैं। जमींदारों यानी लाला के घर में जन्मे Rajamouli का बचपन काफी रईसी में गुजरा है, लेकिन उन्होंने कभी भी हरामी लाला बन के लोगों के मांगे कंगन गिर भी नहीं रखवाए। इनके पिताजी के नाम पर 360 acres की जमीन भी थी, पर वो कहते हैं ना कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, तो इनका भी ये अच्छा वक्त ज्यादा दिन तक नहीं टिका, और कुछ पारिवारिक समस्या के कारण जो भी था सब कुछ तबाह हो गया। अपने 7 बच्चों को लेकर विजेंद्र जी एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए, जिसके कारण Rajamouli को अपनी जवानी एक छोटे से मकान में बितानी पड़ी। लैंडलॉर्ड एंड माय फादर्स ओन्ड 360 acres ऑफ लैंड इन अ प्लेस इन कर्नाटका, एंड बाय द टाइम आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड एवरीथिंग वाज सोल्ड आउट, दे लॉस्ट एवरीथिंग, एंड वी वेंट टू चेन्नई इन सर्च ऑफ फाइंडिंग आवर फुटिंग इन द फिल्म इंडस्ट्री। एग्जैक्टली, यू आर 14, यू आर सेइंग, वी वर 13. And we were 13 members of our family living in one bedroom apartment in Chennai. शुरू से ही पढ़ाई में लंट Rajamouli से जब रिश्तेदार घर आकर फ्री का खाना पेल के पूछते कि बेटा आगे क्या करोगे, तो शर्म से सर झुकाकर Rajamouli अपने कजिन को देखकर म्यूजिक डायरेक्टर बोल दिया करते हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि एसएस Rajamouli के कजिन एमएम कीरवानी है। हाँ, ये वही बंदा है जिसने गोरो को नाटू नाटू का दीवाना बना दिया था। जी हाँ, जहां सब RRR के ऑस्कर के लिए Rajamouli की तारीफों के पुल बांधते हैं, वही मेन आग तो इनके कजिन ने लगाई थी। बचपन में म्यूजिक डायरेक्टर बनने की खबर जब Rajamouli के बाबूजी को पता चली तो वह भड़क उठे, और अपने बेटे को म्यूजिक की नॉलेज ना होने पर जलील भी कर दिया। अब्बा नहीं माने, अपने बाबूजी के तानों से तंग आकर Rajamouli ने कुछ सीखने की ठान ली और अपने पप्पा के साथ मूवी के सेट पर आना जाना शुरू कर दिया। वेल, खाली बैठने से उन्हें अच्छा लगा कि चलो कुछ कर ही लिया जाए, और कुछ इस तरह शुरुआत हुई हमारे जनरेशन के सबसे महान डायरेक्टर द असली राजा ऑफ इंडियन सिनेमा एसएस Rajamouli की। तो वीडियो, अपने करियर की शुरुआत में इन्होंने भी काफी एड फिल्म्स और टीवी सीरियल्स डायरेक्ट की, और मेकर्स की डिमांड पर इन्हें भी कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, जैसे सीरियल्स भी डायरेक्ट करने पड़े। कुछ याद आया, लेट इट बी टॉपिक पर आते हैं। और फिर इनके पास आए इनके करियर का सबसे बड़ा ऑफर, NTR के पोते को लॉन्च करना। मामला टाइट था गुरु, क्योंकि NTR खानदान में फिल्मी दीवाने भड़े पड़े थे, और थोड़ी सी गलती फिर Rajamouli का पूरा करियर खाने का कॉन्ट्रैक्ट सलमान भाई को मिल सकता था। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर खतरों से खेलना ही तो Rajamouli जी की खासियत है। जूनियर NTR और Rajamouli ने टॉलीवुड में एक साथ 2001 में स्टूडेंट नंबर 1 से तगड़ी एंट्री मारी, और पहली मूवी से NTR के घर का चिराग रोशन कर दिया, और 2 crore में बनी इस फिल्म ने भाई वर्ल्ड वाइड 12 करोड़ का कलेक्शन किया, और रातों रात जूनियर NTR की किस्मत भी चमका दी। आज बाहुबली से दुनिया भर में नाम कमाने वाले Rajamouli को शुरू में ही NTR खानदान का साथ मिला, और इसलिए इंडस्ट्री में इनका दबदबा भी बन गया। मतलब भाई लोग, आप समझ सकते हो कि बंदे ने 2 crore के बजट से इंडस्ट्री में कदम रखे और आज ये 1000 crore की मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं। इनकी अगली पिक्चर में साउथ इंडस्ट्री के प्रिंस महेश बाबू जंगल में एक्शन करते दिखाई देंगे, जिसका बजट 1000 crore बताया जा रहा है। पैसों में अंधा हो गया हूं, अंबानी मेरे पे। अपनी पहली मूवी ब्लॉकबस्टर देने के बाद राजा जी अपनी नेक्स्ट मूवी SYE बनाने में लग गए। इसने भी 2004 में बॉक्स ऑफिस के बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ फोड़ डाले, और इसके शैतान इसके विलन प्रदीप रावत को लोगों ने इतना पसंद किया कि बॉलीवुड वालों ने तो इन्हें अपने यहाँ आमिर खान के सामने गजनी में ला खड़ा कर दिया, और बंदे ने आमिर खान को भी कांटे की टक्कर दी बॉस। हाँ, आमिर से याद आया Rajamouli के फेवरेट खान कोई और नहीं बल्कि अपने भाईजान ही है, और भाईजान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बजरंगी भाईजान भी किसी और ने नहीं बल्कि वी विजेंद्र प्रसाद ने ही लिखी थी, और इस फिल्म को
उनके ही बेटे SS राजा मौली डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन बाहुबली की वजह से वो इस प्रोजेक्ट पर टाइम नहीं दे पाए। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर सलमान भाऊ को राजा मौली डायरेक्ट करते तो मूवी कैसी बनती? जूनियर NTR ने स्टूडेंट नंबर 1 से एंट्री तो मार ली थी, पर अभी तक सुपरस्टार बनने का सपना सपना ही रह गया था। फिर इस सपने को सच और सुपरस्टार की लिस्ट में अपना झंडा गाड़ने के लिए इन्होंने अगेन राजा मौली का हाथ पकड़ा, और उसके बाद इन दोनों की फिल्म आई सिमादरी। अब फिर क्या था भैया, 8 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में अगेन 25 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया और सुपरहिट साबित हुई। इस मूवी के क्रेज का ये आलम था कि 20 साल बाद 2023 में इसे वापस से रिलीज किया गया और इसने फर्स्ट डे में ही 5 करोड़ कमा डाले। मतलब एक तरफ से आलू डालो तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। राहुल गांधी की ये बात राजा मौली ही करके दिखा सकते हैं, जहां इनकी मशीन में एक तरफ से एक्टर डालो तो दूसरी तरफ से सुपरस्टार निकलेगा इसकी गारंटी रहती है। अपने स्टारडम से एक्टर को भी पछाड़ देने वाले SS राजा मौली पहले ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके नाम से टिकटें बिकती हैं गुरु। लोग अब ये पूछ के फिल्में देखने नहीं जाते हैं कि किस स्टार या किस एक्टर की फिल्म है। अगर फिल्म राजा मौली की होती है तो पहले ही दिन 100 करोड़ की लक्ष्मी घर लेकर आती है। CGI विजुअल्स में मार्वल को भी टक्कर देने वाले राजा जी एक मूवी बनाने के लिए आज प्रोड्यूसर से 100 करोड़ की चेक फड़वाते हैं। अब रिसेंटली तो इन्होंने प्रॉफिट शेयर लेना भी शुरू कर दिया है। तो भाई जिस तरह से इनकी मूवीज पैसे कमाती है ना, बहुत ही जल्द इनका नाम इंडिया के रिचेस्ट सेलिब्रिटीज में से एक होगा। और इतना बवाल डायरेक्टर टॉलीवुड में बैठा और बॉलीवुड वाले इनकी मूवीज के रिमेक ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। तो राजा मौली की अगली पिक्चर विक्रमारकुडा, जिसमें रवि तेजा डबल रोल में दिखाई दिए। इस फिल्म के सुपरहिट होने के तुरंत बाद बाकी इंडस्ट्रीज ने इसके राइट्स पर ऐसे झपट्टा मारा है जैसे कुत्ता हड्डी देकर मारता है। इस मूवी को बंगाली, बांग्लादेशी, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में भी रिमेक किया गया। हमारे अपने खिलाड़ी कुमार इसके रिमेक में दिखाई दिए और बॉलीवुड में भी राउडी राठौर ने दबा के पैसे छापे। और राउडी राठौर में अक्षय कुमार के चिंता था चिता चिता से लेकर कमिटमेंट वाला डायलॉग लोगों को बहुत पसंद आया। तो भाई कमिटमेंट तो अब राजा मौली ने भी कर ली थी कि आप कितना भी गिड़गिड़ा लो लेकिन इसके बाद में रिमेक्स के राइट्स नहीं बेचेगा। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। 2009 में राजा मौली ने अगेन एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, रामचरण को लेकर एक हिस्टोरिकल मूवी बनाई मगधीरा, और फिर से 35 करोड़ में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कलेक्शन किया और राजा मौली ने प्रूव कर दिया कि वो लंबी और बड़ी दोनों रेस के घोड़े हैं। अब इतनी सक्सेसफुल मूवी देखकर बॉलीवुड वालों की जीभ लपलपाने लगी और बोनी कपूर पहुंच गए राजा मौली से इसके रिमेक्स के राइट्स खरीदने के लिए। पर राजा मौली को पता था कि उनके पिताजी की लिखी हुई स्क्रिप्ट को सिर्फ वही जस्टिफाई कर सकते हैं, जिसके कारण उन्होंने बोनी कपूर के इतने बड़े चेक को वापस कर दिया। पर जानवी कपूर के पापा और उनकी अम्मा दोनों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से श्रीदेवी ने शिवगामी देवी के रोल को रिजेक्ट कर दिया। कटप्पा, इनके कपट से माहिष्मति मैली हो गई, रक्त से नहला दो। राजा मौली जी को रिमेक इतना ना पसंद है कि वो उसे करने वालों की उंगलियां नहीं बल्कि काटते हैं उनका गला। फिर तो बॉलीवुड में सब बिना मुंडी के ही घूमेंगे। मतलब मोदी जी के अंदाज में राजा मौली जी भी कहते हैं कि ना करूंगा ना करने दूंगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। अरे भाई मैं रिमेक्स की बात कर रहा था। आज के टाइम पर SS राजा मौली ये कितना बड़ा नाम है कि वो चाहे तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री खरीद ले। ये पहले ऐसे डायरेक्टर हैं जिनसे लोग अपना ब्रांड प्रमोशन करवाने के लिए इंश्योरेंस एजेंट की तरह आगे पीछे घूमते रहते हैं। इवन इन्हें बाकी डायरेक्टर्स अपनी मूवी प्रमोट करने के लिए भी बुलाते हैं। खुफिया सूत्रों के माने तो सर ने ब्रह्मास्त्र को प्रमोट करने के लिए 10 करोड़ चार्ज किया था। साला इतना तो टाइगर श्रॉफ की मूवी का टोटल कलेक्शन भी नहीं होता। मुझे क्यों तोड़ा? डार्लिंग प्रभास ने भी अपनी मूवी सालार को सुपरहिट करने के लिए राजा मौली के स्टारडम का इस्तेमाल किया। और प्रभास के साथ भी राजा मौली ने छत्रपति नाम की एक फिल्म दी थी एंड गेस व्हाट, ये भी ब्लॉकबस्टर थी। भाई कभी कभी तो मुझे शक होता है कि ये बंदा ब्लॉकबस्टर की मशीन है। एक भी फ्लॉप ना देने का कॉन्फिडेंस रखने वाले राजा मौली ने इस बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर इतने दूर की सोची कि सबके होश उड़ गए और बाकी डायरेक्टर्स को बता दिया कि जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से हमारी शुरू होती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ईगा की। ये वही मूवी है जिसने पहली बार राजा मौली को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई और इस फिल्म से मलेशिया, जापान, चाइना में राजा जी के फैंस में काफी बढ़ोतरी हुई। मतलब एक मक्खी को सेंटर में रखकर पूरी पिक्चर बना देना सिर्फ राजा मौली और उनके पिताजी ही कर सकते हैं। दोनों बाप बेटे ने राइटर और डायरेक्टर का इंपॉर्टेंस मार्केट में काफी बढ़ा दिया, जिसके वजह से दूसरे टैलेंटेड राइटर एंड डायरेक्टर को भी वो फेम मिला जो वो डिजर्व करते थे। और इसलिए आज हमें प्रसाद नील, लोकेश कनगराज, संदीप रेड्डी वांगा जैसे डायरेक्टर का नाम याद है, नहीं तो आज भी हम सिर्फ एक्टर की भक्ति में लीन होते। अपने काम को सिर्फ हिंदुस्तानियों तक ही नहीं बल्कि फिरंगियों की जुबान पर लाने वाले राजा मौली ने हॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ रूम शेयर किया और इनके डायरेक्शन की तारीफ तो खुद अवतार के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने भी की। Yes, it's a problem.
एक्टर्स के अंदर के परफेक्शन बाहर निकालने वाले एसएस राजामौली और उनके पापा एक के बाद एक लार्जर एंड लाइव ब्लॉकबस्टर फिल्में देते रहे। लेकिन अब जाकर राजामौली ने सिर्फ टॉलीवुड सिनेमा ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुई इंडियन सिनेमा की लैंडमार्क मूवी बाहुबली, जिसमें महेंद्र बाहुबली, देवसेना से लेकर भल्लाल देव सब लोगों के दिलों पर छा गए। अब वैसे तो बाहुबली जैसी फिल्मों की नींव तो इन्होंने 2009 में आई रामचरण के साथ मगधीरा बनाकर ही रख दी थी, लेकिन 180 करोड़ के बजट में बनी बाहुबली ने वर्ल्ड वाइड 650 करोड़ का कलेक्शन किया और उन लोगों के मुंह पर तमाचा भी मारा जिन्होंने इस फिल्म को रिलीज से पहले ही फ्लॉप बता दिया था। भाई अच्छा हुआ राजामौली ऐसे घूतिया लोगों की बात में नहीं आए और भौंकने वाले कुत्ते समझ के इन्हें इग्नोर कर दिया। अरे वो हरियाणवी गानों में कहते हैं ना कि आगे बढ़ने आले तो सारी दुनिया सदा यो खींचे है। बाहुबली द बिगनिंग रिलीज होने के बाद हिंदुस्तानियों ने सरकार से बेरोजगारी के सवाल को छोड़कर राजामौली जी से सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि भाई आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। गुरु बाहुबली की दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि हर इंटरव्यू हर फंक्शन में लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। इस मूवी को बनाने में सिर्फ डायरेक्टर बाबू ने ही बल्कि बाकी सारे एक्टर्स ने भी जान फूंक दी। इवन प्रभास को तो राजामौली ने कसम दी थी कि 3 साल तक कोई भी ऐड नहीं करने का और उन्होंने राजामौली की बात सुनी भी और प्रभास के इस सैक्रिफाइस का उन्हें बहुत बड़ा इनाम भी मिला। इसलिए कहते हैं गुरु की सफलता के लिए बलिदान देना जरूरी है और जैसे कहा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वैसे राजामौली के साथ उनकी वाइफ रमा राजामौली जो उनके अच्छे और बुरे दोनों वक्त में हमेशा उनके साथ खड़ी रही। राजामौली जी ने 2 बच्चे भी अडॉप्ट कर रखे हैं जो उन्हें प्रोडक्शन में मदद करते हैं। मतलब देख रहे हो भाई लोग, खुद डायरेक्टर, पापा राइटर, वाइफ डिजाइनर और बेटे प्रोड्यूसर। बोले मतलब इन लोगों को मूवी बनाने के लिए बाहर के लोगों की कोई जरूरत ही नहीं है। आज सारे के सारे टैलेंटेड लोग एक ही छत के नीचे भड़े पड़े हैं। बाहुबली जैसे बिग बजट फिल्म के ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने के बाद इंडियन प्रोड्यूसर्स में भी थोड़ा सा और गुदा आया और अब जाकर उन्होंने रिस्क टेकिंग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना भी शुरू किया, क्योंकि बाहुबली के मेकर्स ने फिल्म बनाने के लिए 180 करोड़ से भी ज्यादा रुपए 24% ब्याज पर लिए थे। और तभी शुरुआत होती है पैन इंडिया मूवीज की। राजामौली की मूवीज रिमेक ना करने के कमिटमेंट ने उन्हें पैन इंडिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर बना दिया। राजा सर ने बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर देने के अलावा बहुत सारे एक्टर्स की करियर भी बनाई और जिनके पहले से बने हुए थे उनसे ऐसी परफॉर्मेंस निकलवाई कि उनके फैंस राजामौली को हमेशा शुक्रिया करते हैं। थैंक्स, लव यू। बाहुबली के ब्लॉकबस्टर होने के तुरंत बाद ही पूरी टीम वापस सेकंड पार्ट के लिए जोरों शोरों से जुट गई और फिर कुछ सालों के इंतजार के बाद ही बाहुबली 2 द कंक्लूजन। फिर लोगों ने काम का सब छोड़ के पहले इस मूवी के दर्शन किए और भाई मैंने तो अपनी आंखों से लोगों का पागलपन इस मूवी के लिए देखा है। कैसे लोग घंटों घंटों लाइन में खड़े रहकर इसकी टिकट लिया करते थे। और 250 करोड़ में बनी इस फिल्म ने इंडिया में ही सिर्फ 1000 करोड़ का कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ का। और कलेक्शन के मामले में इस मूवी ने महेंद्र बाहुबली जैसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जो खुद राजामौली की अगली मूवी ही नहीं तोड़ पाई। एक टाइम पर एक मूवी पर शिद्दत से काम करने वाले राजा सर की मूवीज को वेस्टर्न ऑडियंस से भी काफी अप्रिसिएशन मिली और अब लोगों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि इंडियन डायरेक्टर्स का बाप सिर्फ एक ही है, एसएस राजामौली। बाहुबली से प्रभास रातों रात ग्लोबल स्टार बन गए और सिर्फ पहाड़ जैसी बजट वाली मूवी करनी स्टार्ट कर दी। हाँ ये बात अलग है कि काफी सारी मूवीज गंदी बेटी, पर कोई नहीं, प्रभास अन्ना से आगे कुछ अच्छा करने की उम्मीद है। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। पहले अपने मूवीज के प्रमोशन में एक पूरा इवेंट रखकर आधे इंडियन सेलिब्रिटीज को बुलाया है ना, सिर्फ राजामौली ही कर सकते हैं। I want to give you, do not release your film for at least 4 months after their film. I will not release after 8 months after their film. By 4, I will be... RRR को कोरोना के कारण रिलीज होने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और भाई लोग मुझे अभी भी याद है कि कैसे तड़पा था मैं इस मूवी को देखने के लिए। फाइनली मूवी 24 मार्च 2022 को रिलीज हुई और क्या ही रिलीज हुई। इस मूवी ने सबके कान फाड़ के रख दी और इस बार देखने के साथ साथ सपने सट्टे लगाने भी शुरू कर दिए कि इस साल हर बार की तरह ऑस्कर में हम बेइज्जती होंगे। लेकिन इस बार गेम थोड़ा उल्टा हुआ और 400 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में 1300 करोड़ का कलेक्शन किया और साथ ही साथ ऑस्कर अवार्ड पर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग भी इसे ही मिला। Chandra Bose originally earned a degree for electrical and electronics engineering before becoming a lyricist. Composer M.M. Keeravani lists John Williams as one of his musical influences. रामचरण और जूनियर एनटीआर के नाटू नाटू गानों पर अंग्रेजों ने भी अपने पैर और कमर हिलाए और अभी हाल ही में बॉलीवुड के तीनों खान ने भी अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में इस पर नाच कर नाचो नाचो की शान बढ़ा दी। अंग्रेजों को पहले ऐसा लगता था कि इंडियन मूवीज का मतलब सिर्फ जबरदस्ती का रोमांस, ओवर द टॉप एक्शन और घिसा पीटा ड्रामा ही होता है, पर RRR को देखने के बाद उन्हें असली इंडियन सिनेमा का मतलब समझ में आया।
तो अब आपको उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। अब वैसे तो हर मूवी के साथ साथ राजामौली की पॉपुलैरिटी और क्रिएटिविटी 10 गुना बढ़ती जा रही है, पर इसका अंदाजा हम इनकी आने वाली मूवी से लगा सकते हैं। SSMB 29, जिसका टाइटल भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, पर लोग इसको अपने माइंड में ऐसा फिक्स किए हैं कि भाई चाहे एग्जाम छूट जाए, शादी हो, पर मूवी तो देखनी है। इस मूवी का राजामौली 2 पार्ट में महेश बाबू के साथ बनाएंगे और खुफिया सूत्रों के माने तो इसके लॉन्च पर हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और फॉरेन मीडिया भी रहेगी। और इस बार राजा सर थोक के भाव में ऑस्कर लाने का प्लान बना रहे हैं, और हो भी क्यों ना, जब कहानी खुद हनुमान जी से इंस्पायर्ड होने वाली है। तो बस ऐसे बहुत ही कमी डायरेक्टर होते हैं जो अपना विजन एक्टर को बखूबी समझा पाते हैं और पब्लिक को वही चीज स्क्रीन पर दिखा पाते हैं। चलो कम से कम राजामौली के बाद साउथ इंडस्ट्री को वो रिकॉग्निशन तो मिली जो वो डिजर्व करते थे। अब जिनकी इस बंदे से जलती है उनसे मैं यही कहूंगा कि भाई इनसे दूर रहो, क्योंकि जिसके एक्टर्स उसे मॉन्स्टर कह के पुकारते हैं उससे पंगा लेना खतरे से खाली नहीं होगा बॉस। तो भाई ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए हर हर महादेव।